नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस प्रकार की सिचुएशन है, इसको देखने वाले हैं सैटेलाइट इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहीं पे जो टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी है उसको लेके भारत कितना प्रिपेयर्ड है उस पर डालेंगे एक नज़र। तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो शुरू कैसे हुआ है, जहाँ पे हम लद्दाख रीजन में पेंगोंग लेक से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर नॉर्थ में गलवान रिवर के आसपास कुछ हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे। तो बेसिकली ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन है ये हमारे ही एरिया में हो रहा था, जो कि भारत के ट्रूप्स और सामान के मूवमेंट को एक अपर एज को अचीव करने के लिए देखा जा रहा था, और ये बात चाइनीज साइड को पसंद नहीं आई है और उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया है। तो बेसिकली जो हम रोड बना रहे हैं वो गैलवान रिवर के बैंक पे है, जो कि LAC के काफ़ी करीब है, और इसको लेकर दोनों पक्षों में कई वार्ता भी हुई हैं और हाथापाई भी हुई है। जब दोनों ही पक्ष अपने अपने एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे भारतीय पक्ष का मानना ये है, जिसको लेके MAE का स्टेटमेंट भी आ चुका है, कि भारत के जो ट्रूप्स हैं और उनका जो रेगुलर पेट्रोलिंग पैटर्न है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं चाइनीज ट्रूप्स, जबकि यहाँ पे चाइनीज साइड का कहना ये है कि अब हमारे एरिया में पेट्रोल कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं इस रोड के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए वो नए नए बहाने इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसी को लेके ये जो रोड बनाया जा रहा है, जो कि एक ब्रांच है दारबुकशोक दौलत बेग ओलजी का, यानी कि DSDBO का, और इसी रोड का एक और ब्रांच कंप्लीट किया गया था लास्ट ईयर ही, जो कि दौलत बेग ओलजी को कनेक्ट करता है काराकोरम पास से। तो इसका जो ब्रांच है वो लास्ट ईयर कंप्लीट किया गया था, और इसी रोड का एक और ब्रांच अभी कंस्ट्रक्शन में है। सो इस रोड के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए जो LAC है चाइनीज साइड पे, वहाँ पे चीनी ट्रूप्स ने तकरीबन 80 के नंबर में जो टेंट है वो सेटअप कर लिए हैं, जो कि उनके टेरिटरी में है। उस 80 टेंट में कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्पररी हैं, और सैटेलाइट फुटेज ये भी शो कर रही है कि कुछ जो चाइनीज टेंट हैं, तकरीबन 5 से 6 ऐसे टेंट हैं जो कि LAC के अंदर भारत के एरिया में उन्होंने सेटअप किया हुआ है, जो कि टेम्पररी टेंट हैं। तो ये ऐसा होता है कि मान लो आपका बीच में LAC है, तो उससे कुछ दूर जो चीनी होंगे उनकी पोजीशन होगी, और उनसे कुछ दूरी जो इंडियन पोजीशन है वो होगी, जबकि जो पेट्रोलिंग है LAC के नज़दीक वो दोनों ही साइड करती हैं। हालांकि जो LAC है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी वजह से कभी कभी जो मिस इंटरप्रिटेशन है वो हो जाती है दोनों साइडों से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रोड के कंस्ट्रक्शन को रोकने के चक्कर में जो तकरीबन चाइनीज 5 से 6 ऐसे टेंट हैं वो या तो एग्जैक्ट LAC पे हैं, या फिर LAC के अंदर भारतीय साइड पे टेंट लगाए जा चुके हैं। हालांकि ये परमानेंट टेंट नहीं है, जैसा कि मीडिया बता रही है टेम्प्रेरी टेंट है ये, एटलीस्ट सैटेलाइट इमेज से वही दिख रहा है। तो ये कंडीशन और बेकार होती जा रही है, और इसी के लिए आज ही बहुत ट्रूप्स को डिस्पैच किया गया है पेंगोंग के लिए, क्योंकि जहाँ पे चाइनीज ट्रूप पेट्रोल करते हैं वो वहाँ से आगे बढ़ के इस साइड आ चुके हैं। सो आने वाले दिनों में जो ये सिचुएशन है वो और भी ख़राब होने वाली है, और एक डोकलाम जैसी जो कंडीशन है वो हो सकता है आपको देखने को मिले। तो हो सकता है ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो कुछ मंथ तक खींच सकती है, क्योंकि उन्होंने आपको प्रोवोक तब किया है जो उन्होंने पूरी तैयारी करके 80-90 के अराउंड जो टेंट है वो लगा लिए थे, उसके बाद उन्होंने ये प्रोवोक किया है आपको LAC पे, वो जहाँ पे पेट्रोल करते हैं उसके और अंदर आके। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि भारत के भी जो कैंप और टेंट हैं वो वहाँ पे लगाए जा चुके हैं, जो कि परमानेंट हैं। हालांकि ये टेंट हमारे साइड में है, लेकिन जो पोजीशन है इंडियन पोजीशन उसको और स्ट्रांग बनाया जा रहा है। तो ये है कुछ करंट कंडीशन यहाँ पे। अब देख लेते हैं एक टू फ्रंट वॉर को लेके जो सिचुएशन है, जिसको ऊपर लोग चाह रहे थे कि बात की जाए। तो टू फ्रंट सिनेरियो को देखोगे आप तो पॉसिबिलिटी 3 तरह की हो सकती है, या तो पाकिस्तान आपको अटैक करे और चाइना उसके बाद ज्वाइन कर ले, या फिर दोनों ही एक बार में अटैक कर दे आपके ऊपर, या फिर चाइना आपके ऊपर अटैक करे और वो पाकिस्तान को गाइड कर सकता है कि एक और फ्रंट खोलने को। तो ये जो थर्ड कंडीशन है वो संभवतः पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप चाइना की बात करते हो तो चाइना से हम तकरीबन 4000 किलोमीटर जो बॉर्डर एरिया है वो शेयर करते हैं, लॉन्ग एरिया है। अगर इसी बॉर्डर पे कई सारे फ्रंट खुल जाते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टू फ्रंट वॉर की कंडीशन बनती है तो उस केस में भारत एक इंटेंस वॉर तकरीबन 30 दिन तक सस्टेन कर सकता है, और नॉर्मल वॉर तकरीबन 60 डे तक, जहाँ पे आपके नेवी को दो भागों में बांटकर उसके पावर का इस्तेमाल करोगे आप। पहला आपका हो जाएगा अरेबियन सी में, दूसरा आपका हो गया बे ऑफ बंगाल में, वहीं पे जो आपके अम्यूनिशन प्रोडक्शन है और उसका स्टॉक है वो काफ़ी की रोल निभाएगा। तो जो भी आपकी भारत की कंपनियां हैं उनको भी अपनी कमर कसनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि हम कितना तैयार हैं टू फ्रंट वॉर को लेके। तो सबसे पहले बात कर लेंगे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की, जिस पे हमने काम किया है पिछले कुछ सालों में। तो पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है आर्म्ड फोर्सेस की वो सिर्फ रक्षा मंत्री चाहती थी, वहीं पे जो आर्म्ड फोर्सेस का इंटीग्रेशन था और कंट्रोल था वो उतना सिनर्जिक नहीं था। लेकिन जो CDS का गठन हुआ है और उसके बाद जो नए नए थिएटर कमांड्स बनाए जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आर्म्ड फोर्सेस को एक बेटर डायरेक्शन मिलेगी, जिससे कि जो वॉर को सस्टेन करने की टाइमिंग है उसको हम बढ़ा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितनी तैयार है भारतीय आर्मी। तो अगर वॉर की बात करते हो तो दुनिया में ऐसे कोई भी फोर्स नहीं है जो कि तैयार हो किसी भी वॉर के लिए। आपके पास उस टाइम पे जो भी क्षमता है, जो भी कैपेबिलिटी है, आप उसी से फाइट करते हो।
दूसरी तरफ अगर आप देखोगे भारत की कंडीशन में, तो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है वो अभी ट्रांजिशन स्टेट में है, जिसमें मोर देन 55% जो इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। वहीं पर जो आपकी अम्यूनिशन होल्डिंग है वो काफ़ी कम थी, जिसको हमने पिछले कुछ दिनों में इम्प्रूव किया है। दूसरी तरफ जो आपके फोर्सेस हैं उनके पास जो आर्टिलरी का नंबर है वो भी कम है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इन सब पे आपको काम करने की आवश्यकता है, और ये सब कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर इस पे जो फोकस है वो ज़्यादा दिया जाए तो, क्योंकि तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्रूव की जानी चाहिए। पहला आपका हो गया कि रक्षा मंत्री के जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन स्ट्रेटजी है, उसमें अभी फिलहाल कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि भारत की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो टू फ्रंट वॉर को लड़ने की होनी चाहिए। तो वहाँ पे उस चीज़ को रिवाइज करने की आवश्यकता है, जो कि ये भी तय करेगा कि जो आपका बजटरी रिक्वायरमेंट है उसे इम्प्रूव किया जाए, और डिफेंस बजट को एटलीस्ट 3% होने की आवश्यकता है आपके GDP के। अगर आपको 1 से 1.5 साल और मिल जाते हैं तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि जो आपके पास स्टॉक है अम्यूनिशन का, मिसाइल का या फिर आर्टिलरी का, उसको इम्प्रूव करो। अगर आप इस पर काम करके तकरीबन 50% भी इम्प्रूव कर लेते हो तो वो आपको 15 से 20 दिन का जो इंटेंस वॉर है उसको सस्टेन करने में हेल्प करेगा। तीसरा आपका हो जाता है जॉइंटनेस, जिसके लिए आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, और CDS का जो गठन है वो किया जा चुका है, जो कि सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस देगा RM को। और कुछ लॉन्ग टर्म्स मेजर की बात करते हो तो आपको मेक इन इंडिया को पुश देना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी दे रहे हैं। अब PM भी अनाउंस कर चुके हैं। फोर्स के स्ट्रक्चर को आपको रिडिफाइन करने की आवश्यकता है, और वहीं पे एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को एनहेंस करने की आवश्यकता है, स्पेशली चाइनीज रीजन में और माउंटेनियस एरिया में किस तरह से फाइट करनी है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए जो फोर्स का वॉल्यूम है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो चाइनीज सिचुएशन है LSE पे, उसको हमारी मीडिया भी मिसरिप्रेजेंट कर रही है, और मीडिया के कुछ ग्रुप के लोग हैं उन्होंने यही काम डोकलाम के टाइम पे भी किया था, जिससे कि जो सिचुएशन है वो और बिगड़ गई थी। यहाँ पे बुद्धिमत्ता यही होगी कि इस तरह के जो अपने अपने सेल्फ मेड फैक्ट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करें लोग, क्योंकि अगर कंडीशन एक पॉइंट से आगे बढ़ जाती है और आप दोनों ही देश पावर प्रोजेक्शन के लिहाज से काफ़ी स्ट्रांग हो तो कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है। तो यहाँ पे सिचुएशन को उस पॉइंट से जाने से पहले रोकने की आवश्यकता है। तो इस पूरे मुद्दे को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।